जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। धनु राशि वालों की परेशानियां होगी समाप्त। अगस्त 2017 रहेगा उनके लिए बहुत ही अच्छा। आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगस्त 2017 में धनु राशि वाले लोगों की परेशानियां होगी समाप्त। धनु राशि वाले लोगों के जीवन में नया सूर्य उदय होने वाला है, नई चमक आने वाली है और सब कुछ बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों की स्वास्थ्य के बारे में, विवाह जीवन उनका कैसा रहेगा ये बात करेंगे और इस महीने अगस्त के महीने में धनु राशि वालों को एक सलाह देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धनु राशि का सामान्य राशिफल क्या रहेगा, धनु राशि की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही उनके भाग्यशाली अंक क्या रहेंगे ये सब बताते हैं। तो ये दोस्तों जानते हैं कि अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम धनु राशि के स्वास्थ्य के बारे में कि इनकी स्थिति कैसी रहेगी अगस्त के महीने में। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम उनकी बात करें तो उनके स्वास्थ्य का स्वामी शुक्र है जो कि केंद्र में स्थित रहेगा, इस कारण इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ पूरे महीने काम कर सकते हैं। पिछले महीने अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमजोरी रही है तो उसकी पूर्ति आप अगस्त माह में कर सकते हैं और अगस्त माह में आप अपनी सारी परेशानियां समाप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के विवाह और प्रेम संबंध के बारे में। इनके सप्तम भाव के स्वामी बुध इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो इनके जीवन साथी के साथ इनका प्रेम बढ़ेगा और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग भी बन सकता है और इनका जीवन साथी इस महीने बहुत अच्छा उन्नति करेगा। इस महीने धनु राशि वालों के लिए हमारी ये सलाह है कि यदि धनु राशि वाले इस महीने प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले कलर का वस्त्र धारण करते हैं और पीला भोजन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और पूरा अगस्त का महीना इनके लिए शुभ प्रतीक होगा। साथ ही साथ धनु राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति इस महीने बनने वाली है। सामान्य रूप से अगर हम धनु राशि वालों की बात करें तो इनके लिए ये स्थिति बनने वाली है कि 17 अगस्त के बाद जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य अपने स्वराशि सिंह में जाएगा और सिंह राशि इनके भाग्य में रहेगी और इनके भाग्य स्थान में सूर्य स्वग्रह रहेगा तो धनु राशि वालों का भाग्योदय अगस्त माह में होने वाला है। धनु राशि वाले के जो भी काम रुके हुए हैं वो अगस्त के महीने में संपूर्ण होने वाले हैं। यदि किसी भी प्रकार का अड़चन आप महसूस कर रहे हैं, काम में बाधाएं आ रही है या फिर बहुत समय से आपका काम कोई अटका हुआ है तो वो आपका पूरा होने वाला है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, ये बहुत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है क्योंकि इस महीने अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में नौकरी में हैं और पदोन्नति की इच्छा रखे हैं तो इस महीने आपकी पदोन्नति हो सकती है। साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ सकती है, आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी मिल सकता है, आपके कार्यों की सराहना करी जाएगी, आप जो भी काम करेंगे उसके माध्यम से आपको ऊंचाइयां मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको आवश्यकता होगी कि अगस्त महीने में आप आलस्य को छोड़ दें और ईमानदारी से काम करें तो निश्चय ही आपको अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि की अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इस दौरान इनको माता पिता का मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता है, लेकिन भाई या बहनों के साथ में इनके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि भाई के स्थान में केतु की जो स्थिति निर्मित हो रही है उसके कारण ये स्थिति निर्मित होगी कि आपके साथ भाई या बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। यदि आप अपने माता पिता के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको उन्नति अवश्य ही प्राप्त होगी या कोई भी काम करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं अगस्त के महीने में तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। धनु राशि वालों के लिए अगस्त माह में बहुत सारे नए काम होने वाले हैं, नए सौगात आपको मिलने वाले हैं।
कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सौगात मिलेगी, परिवार के लिए अच्छी सौगात मिलेगी, अर्थव्यवस्था के लिए सौगात मिलेगी, साथ ही साथ संतान के लिए भी बहुत अच्छी सौगात प्राप्त होने वाली है। यदि संतान की पढ़ाई की कोई भी बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि नवम और पंचम इन दोनों का जो कारक ग्रह होता है वो है देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति जो होते हैं वो धनु राशि के स्वामी होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस महीने धनु राशि के संतान की अगर शिक्षा के लिए विदेश यात्रा की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सक्सेस हो जाएगा। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नया बदलाव आने वाला है, अर्थात जो आप कार्य कर रहे थे उससे हटकर इस महीने अगस्त के महीने में आप कोई कार्य कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जो परिवर्तन होगा इससे इनको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस महीने अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन सोच समझकर ही कोई फैसला लें और अच्छे पार्टनर का चयन करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों का जो राशि का स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव माना जाता है कर्म का, तो कर्म का जो स्थान है वो दशम भाव है, और वहाँ के जो स्वामी है बुध वो भाग्य में मौजूद रहेगा। बुध के भाग्य में होने से इनके भाग्य में तरक्की मिलने वाली है, इनकी उन्नति होगी और इनके सभी कार्य जो रुके हुए हैं वो संपूर्ण हो जाएंगे। यदि अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो वो भी इनके पक्ष में जाएगा। यदि इनका किसी से धन लेना है या आपने किसी को उधार दिया है पैसे तो वो लेने हैं तो ये बहुत ही अच्छा महीना रहेगा, आपको मिल जाएगा इस महीने वो सारे पैसे। और साथ ही साथ इस महीने आप कोई निवेश करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ नई संपत्ति खरीदने का भी बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। इस महीने आपके घर में नए वाहन का आगमन होने का योग है, कोई भी नई वस्तुएं आप लगातार इस महीने खरीद सकते हैं। यदि इस महीने धनु राशि वाले कोई नया निवेश करते हैं, किसी भी क्षेत्र में भूमि खरीदते हैं, भवन खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या कोई भी स्थायी निवेश करते हैं तो इससे इनको बहुत ही अच्छा फल मिलता है और साथ ही दूरगामी परिणाम भी मिलता है। इस अगस्त के महीने में धनु राशि वाले कोई भी काम करेंगे तो उसमें उन्हें अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। धनु राशि के जो स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति, उनकी कृपा से इनको कुछ नया कार्य क्षेत्र में काम करने को मिलेगा, नई अच्छी सौगात बन रही है। इस महीने अगर धनु राशि वाले इन भाग्यशाली अंकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही इनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और सारे कामों में सफलता भी मिलेगी। भाग्यशाली अंक है अगस्त के महीने के लिए 5, 9 और 14। इन अंकों को प्रयोग करके आप सारे कामों को कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।